हाय फ्रेंड्स, मैं धनित कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को SSC ने जो न्यू कैलेंडर जारी किया है उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो हम वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो SSC ने न्यू कैलेंडर जारी किया है तो वो SSC ने किया नहीं है, उसे करवाया गया है। किसने करवाया है? तो आप लोग हैं जैसे शिक्षकगण हैं, और मतलब कई भी पूरे इंडिया के शिक्षकगणों को मैं बोलता हूँ कि वो मतलब जिन्होंने भी यूट्यूब के या सोशल मीडिया के माध्यम से जो आंदोलन चलाया था उसी का ये सफल नतीजा है, ठीक है। उसी का एक परिणाम है कि SSC ने न्यू कैलेंडर जारी किया है। और भी केंद्र सरकार ने मतलब ये तो SSC ने किया, बट अभी भी राज्य सरकार भी करेंगी ऐसे ही। तो आप लोग अपना आंदोलन भी जारी रखिएगा। तो चलिए, जो भी है न्यू अभी अपडेट जो आई है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को कैलेंडर में यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, तो क्लिक हियर इस पर करके डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, एक बात और, कई ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बड़े बड़े चैनल वाले हैं या शिक्षक ही हैं जो कि बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो वैकेंसी आती है उसके बारे में तो बता देते हैं, बट कैसे आ रही है, क्या लोग कर रहे हैं तो आ रही है, ये नहीं बताते, ठीक है। और आप लोगों को साथ नहीं दे रहे, तो उससे कितना भी बड़ा चैनल हो, कितना भी आपको आदर्श मानते हैं, उसके वीडियो को डिसलाइक करें और उसको अनसब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट जो भी आपको सपोर्ट ना करे उसको अनसब्सक्राइब करें और वीडियो को डिसलाइक करें, हो सके तो रिपोर्ट करते जाएँ उसके वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है CHSL के बारे में, जो Tier 1 मतलब जिनका एग्ज़ाम छूट गया था बीच में ही कोरोना की वजह से, तो उन लोगों का एग्ज़ाम जो है 12/10/2020 से, यानी 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 26 अक्टूबर 2020 तक होगा। और एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है। मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसी दिन को होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट इसके 2-4 दिन आसपास ही रहता है, बट हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म है कि होगा ही इसी मंथ में, ठीक है। मंथ इधर उधर नहीं होगा, डेट इधर उधर हो सकता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर क्या है, उसके बाद CGL का है, ठीक है। यहाँ CBEE लिखा है, इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे CGL का है, तो Tier 3 इसका है, ठीक है। CBEE मतलब Tier 3 DES है, CGL का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, तो DES है मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इनका जो है 22/11/2020 को होगा। उसके बाद ऐसे ही नीचे आते हैं हम लोग, तो देखिए कॉन्स्टेबल दिल्ली पुलिस का है, यहाँ पे इन लोगों का एग्ज़ाम जो होगा 27/11/2020 से लेकर 14/12/2020 तक होगा। उसके बाद ऐसे ही कई वैकेंसी है, जैसे कि 20 दिया गया है यहाँ पे 20 एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसके बाद लास्ट में देखेंगे यहाँ 20 पे, तो यहाँ SSCGD का, SSCGD के बारे में बता दूँ, जिनका भी एज 1/1/2021 को कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और 10th पास होना चाहिए, ठीक है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसका जो है देखिए, ये न्यू वैकेंसी जो है, अब इसी के बारे में कई लोग अफवाह वीडियो बनाएंगे कि 1 लाख आ रहा है, तो 1.5 लाख आ रहा है, 87,000 आ रहा है, 83,000 आ रहा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी आएगा 45,000 से कम नहीं आएगा, ठीक है, मिनिमम 45,000 आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, इसके लिए बहुत ही टाइम है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को आप लोग मैथ हो, रीजनिंग हो, उसको सोल्यूशन करते रहिए, ठीक है, सॉल्व करते रहिए। उसके बाद MTS की भी है, तो MTS के जो 2/2/2021 को मनाने वाली है, मतलब ये जो फॉर्म फिलअप होने लगेगा उसके बाद क्लोजिंग डेट है 18/3/2021 तक। तो ये सब जो है एक्यूरेट है, इनका एग्जाम भी सेंटर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसको भी डाउनलोड आप करके देख सकते हैं। तो इसमें जो मेन मेरे लिए खास था वो था SSCGD, ठीक है। SSCGD जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी भी चल रहा है, 2018 वाली अभी पूरी नहीं हुई है, बट अभी 2021 में पूरी हो जाएगी। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छा करता हूँ कि इससे मदद मिली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो में कुछ भी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आपको लेकर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इधर दूसरे जगह से ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत पहले ही डाल दिया था, बट के मतलब कि ज़्यादातर लोग नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैं सोचा कि इस पर वीडियो भी बना दूँ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।